हाय एंड वेलकम टू द चैनल, आई एम अक्षय। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हॉस, जो कि इंडियन आर्मी का एक ट्रेनिंग स्कूल है, हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के गुलमर्ग एरिया में बेस्ड है। इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो भी बनाई है कि कैसे यहाँ पे सोल्जर्स आते हैं, उनका फर्स्ट वीक। एक्चुअली बेसिकली ये 11 वीक्स की ट्रेनिंग है और 11 वीक्स में फर्स्ट 7 वीक इनको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और बाकी के 4 वीक्स यानी 1 महीना उनको एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है। इस जगह पे इनको हाई ऑल्टीट्यूड में, ठंड में, स्नो में या पहाड़ी एरियाज़ में किस तरीके से सर्वाइव करना है, किस तरीके से दुश्मन से लड़ना है, इस बारे में ट्रेनिंग दी जाती है। काफ़ी टफ है ये ट्रेनिंग, हाई ऑल्टीट्यूड यानी बहुत ज़मीनी, जो हमारा सी लेवल है उससे 10,000 फीट की हाइट के ऊपर इनका जो बेस है वो है। और सिर्फ इंडियन आर्मी नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ की आर्मीज़ के सोल्जर्स यहाँ पे आके इस ट्रेनिंग को लेते हैं। अगर इंडियन आर्मी की बात करूँ तो इंडियन आर्मी के जितने भी रेजिमेंट्स हैं उन रेजिमेंट्स में से बेस्ट सोल्जर्स को यहाँ पे मौका मिलता है ये सीखने का। और यहाँ पे सीख के ये अपनी रेजिमेंट में फिर से जाके जो उनके कलीग्स हैं उनके साथ ये ट्रेनिंग उनको बताते, उनको ट्रेन करते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में, वैली में, माउंटेंस में, ठंड में, स्नो में किस तरीके से लड़ना है दुश्मन से, अपनी ट्रेनिंग उनके साथ शेयर करते हैं, उनको सिखाते हैं। तो फर्स्ट वीडियो का लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा और इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इनके चैनल को जा सकते हो, विजिट कर सकते हो, वीडियो को लाइक करो, इनके चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम सबके साथ शेयर कर सके। तो चल के देखते हैं इनके इस वीडियो में कि इनके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, किस तरीके से जो है वो इनकी ट्रेनिंग ये कंप्लीट करते हैं, एंड चल के देखते हैं एग्जैक्टली किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग है। Toyota Yaris and PUBG Mobile co-presents Breaking Point High Altitude Warfare School, co-powered by Vivo V11 Pro, PolicyBazaar.com and LIC. कश्मीर में बेस है, कश्मीर के गुलमर्ग एरिया में। यार कश्मीर के वैलीज़ बहुत, एक्चुअली कश्मीर है बहुत सुंदर, लेकिन क्या इन सोल्जर्स के लिए इतनी ब्यूटीफुल जगह पे क्या इनकी लाइफ आसान होगी, इनकी ट्रेनिंग आसान होगी, हमें ये देखना होगा। बहुत ब्यूटीफुल माउंटेंस है एंड हॉर्स का बेस वहाँ पे है। हॉर्स कैंपस जाने का दिन है, हॉर्स के फौजी एक अनजान जगह पर भेजे जा रहे हैं। ओके तीन दिन और दो रातों तक फौजी जंगल में रहेंगे और चौकस अच्छा। में रहकर तूफानी मौसम और दुश्मनों की गोलियों का सामना करेंगे। एक माउंटेन वॉरियर बनने के लिए आपको पहाड़ पर जिंदा रहने के लिए कई चीजों में एक्सपर्ट होना पड़ता है। आपको अपनी मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है ताकि ऐसे मुश्किल माहौल में जिंदा रह पाएं। खराब मौसम और गिरते हुए तापमान में इन सोल्जर्स को 72 घंटे ऐसे ठिकानों में टिकना पड़ता है जो उन्होंने खुद बनाए हैं, और मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है। बात करूं अगर मैं इनके फर्स्ट वीडियो जो मैंने किया था उसकी, तो उसमें जो है इनका फर्स्ट वीक था हॉर्स में, तो फर्स्ट डे इनको रेस्ट दिया गया था, लेकिन सेकंड डे उनको 1.5 किलोमीटर का वॉक था अपने वेपन के साथ। और मुझे अच्छे से याद है सेकंड और थर्ड दिन इनको 1.5 किलोमीटर का डबल यानी 3 किलोमीटर कर दिया था, और फिफ्थ एंड सिक्स डे पाँचवें और छठे दिन इनका जो वॉक था वो 5 किलोमीटर्स का था, और 1000 फीट की वैली जो थी इस तरीके से चढ़ी खड़ाई थी, 70 डिग्री का उसका एल्टीट्यूड था, उसके ऊपर इनको चढ़ाई करनी थी, तो काफ़ी डिफिकल्ट था। और वो सब वार्म अप था इनके लिए, शुरुआत थी कि वहाँ के जो क्लाइमेट है उसके साथ अपनी बॉडी, उनकी बॉडी जो है वो मैच कर जाए, उसके लिए था। तो अभी ये इनका एक्चुअल ट्रेनिंग शुरू हो चुका है, ये अभी जंगल में गए हैं फॉर 3 डेज। यहाँ पे ये सीखेंगे कि थर्ड में कैसे जूझना है एंड किस तरीके से सर्वाइव करना है जंगल में, वैलीज में। यहाँ जिंदा रहना जरूरी चीजों पर निर्भर करता है, निजी हथियार, बुनियादी औजार और सूखा राशन। असली लड़ाई में इन्हें लकड़ी भी काटनी पड़ती है। अच्छा, फौजियों और जंगलों के लिए अच्छी बात यह है कि हॉर्स का हर बैच
पुरानी लकड़ियों को बार बार इस्तेमाल कर लेता है। यार अगर लकड़ियां तोड़ना बहुत इजी नहीं होता है, पेड़ को तोड़ना बहुत मेहनत लगती है पेड़ को तोड़ने में, तो यहाँ पे इनके लिए एक अच्छी बात है कि जो पहले के जो ट्रेनीज आके जा चुके हैं, जिन्होंने वो लकड़ियां तोड़ी है, पेड़ तोड़े हैं, इनको उन्हीं को वापस यूज़ करना है, ये यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो तोड़नी होती तो काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती इनके लिए। और हम लोग देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे के किस तरीके से ये जो उनका जो एल्टीट्यूड है, ऐसी खड़ी चढ़ाई है, इसके ऊपर उनको चढ़ना है एंड आगे इनको अभी सर्वाइव करना है। ऊंचाई पर चढ़ेंगे, इनकी मंजिल है 10,500 फुट की ऊंचाई पर मौजूद 10,500 फीट बच चुका है। इन्हें अपना कैंप बनाने के लिए सिर्फ 20 मिनट दिए जाते हैं। इतने में अगर वो ये काम नहीं 20 मिनट सिर्फ तो कड़ी सजा दी जाएगी। अरे यार देखो, पहली बात तो 20 मिनट बहुत कम काम होता है, अनजान जगह पे गए हैं एंड उनको कैंप सेट करना है, सब चीज़ें ढूंढनी होगी, भले लकड़ियाँ तोड़ी हुई होगी, पेड़ तोड़े हुए होंगे, बट उनको ढूंढने पड़ेंगे, ऊपर शेल्टर बनाना है, कैंपस 20 मिनट में कैसे सेट करना है, और अगर नहीं करेंगे तो सज़ा मिलेगी। मैं बहुत सारे आर्मी ऑफिसर, एक्स आर्मी ऑफिसर्स के वीडियोस, उनके इंटरव्यूज हमेशा देखता रहता हूँ, तो वो बताते हैं कि किसी भी आर्मी स्कूल में जाओ, चाहे वो NDA हो, IMA हो, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाओ, तो वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप गलती करते हो या दिया हुआ टास्क अगर आप टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हो तो आपको सज़ा मिलती है, और जो सज़ा मिलती है वो बहुत टफ होती है, बहुत डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट, रगड़ा इज वर्ल्ड, उनको बहुत ज़बरदस्त रगड़ा मिलता है। तो इनको 20 मिनट्स का टाइम दिया गया है, देखते कितने लोग कंप्लीट कर पाते होंगे, मुझे तो लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट है, कोई नहीं कर पाएगा, इनको सज़ा तो मिलनी ही है। तो शुरुआत तो हो चुकी है कैंपस के लिए, सो लेट्स सी क्या होता है। हम यहाँ इतनी ऊंचाई पर हैं कि टेम्परेचर कभी कभी जीरो से नीचे पहुंच जाता है, और यहाँ कभी भी बारिश हो जाती है, इसलिए हमें एक ऐसा शेल्टर बनाना है जो सही है, बारिश और हवा दोनों से बचाए। इसे बनाना आसान नहीं होता, समझदारी से जल्दी ठिकाना बनाना है क्योंकि मौसम कभी भी करवट ले सकता है। सही है, कश्मीर में मौसम बदल सकता है कभी भी, वैलीज में बहुत मुश्किल काम होता है। समय बीत गया, अब इन लोगों को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। शिट, मतलब उनका 20 मिनट्स का, जो मैंने कहा था कि बहुत डिफ़िकल्ट है करना, तो 20 मिनट्स तो ख़त्म हो चुके हैं, अब इनको सज़ा मिलेगी, पता नहीं क्या सज़ा मिलेगी, कैसी सज़ा मिलेगी, एंड काफ़ी टफ होने वाला है। ऑलरेडी वो थके होंगे ये सब कर रहे हैं, तो इनको एक्चुअली कितना वक्त लगा है, क्या सज़ा मिलती है, देखते आगे क्या होता है। तो मेरे लिए ये बहुत ही नामुमकिन सा टास्क था, पर हमने 3-4 घंटों की कोशिश के बाद एक शेल्टर तो बना लिया, लेकिन उसके बाद हमने 3-4 घंटे छत पर एक बड़ा सा होल है। यार 3-4 घंटे लगो, 20 मिनट्स का वक्त था, 20 मिनट का वक्त था उनके पास, 20 मिनट से ज़्यादा 4 घंटे इनको लगे, और वो भी वो कह रहे हैं कि ऊपर कुछ सही से बना नहीं है, तो बारिश वगैरह हो सकती है तो ये लोग भीगेंगे, तो देखते हैं आगे क्या है, क्या हुआ इनके साथ। बारिश आ गई भाई, यस बारिश शुरू हो चुकी है, बादल छा गए थे और हल्की सी बारिश भी हुई जो 5-6 मिनट तक चली। अच्छा ज़्यादा देर तक नहीं, 5 मिनट तक, 5 मिनट तक थी, ओके बच गए, मतलब 3-4 घंटों की मेहनत पर पानी फिर गया, बस 5 मिनट की बारिश में सब बेकार। अच्छा हालांकि इनमें से कुछ को शुरू से शुरू करना होगा, पर अब कैंप बनकर तैयार हो गया है, अब आग जलाने की बारी है। खाना बना रहे, हमें अपना खाना भी छिपकर बनाना था ताकि कोई हमें देख ना सके। ऑफ कोर्स जब आप मिशन पे जाते हैं, वॉर के लिए जाते हैं सोल्जर्स, तो दुश्मन के एरिया में कई बार इनको जाना होता, कई बार रहते हैं, तो अगर इनका लोकेशन डिटेक्ट हो जाए तो ऑपरेशन फेल हो सकता है, इनकी जाने जा सकती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो इनको जो भी एक्टिविटी करनी है छुप के करनी है, अगर आग जलाएंगे तो धुआं उठेगा, या रात का समय है तो वहाँ पे जो है वो लाइट शो हो जाएगी और एनिमी जो है डिटेक्ट कर सकता है, तो इनको छुप के सारी एक्टिविटीज़ करनी है, तो ये कैसे करेंगे इनको सिखाया जा रहा है, एंड
ये जो ट्रेनिंग है ना, इससे इनको फ्यूचर में अपने सिर्फ आर्म फोर्सेस में ही नहीं लेकिन अपनी ज़िंदगी में भी आगे बहुत काम आ सकती है, काम आने वाली है। तो देखते हैं अभी ये आगे क्या करते हैं। यहाँ पर पहली रात बहुत मुश्किल थी। मुश्किल तो होगी भाई। हमने जो खाना बनाया वो भी इतना अच्छा नहीं था। जो किचन से हमारे लिए तैयार होकर आता है वो अच्छा होता है। ये सही है, वो तो बना मिलता है ना रेडीमेड। सोने की बारी आ गई, पर क्या इनके शेल्टर्स रात भर टिक पाएंगे? फिर से बारिश होगी क्या? शायद फिर से बारिश होगी रात भर। पहली रात बहुत ही मुश्किल थी। हमें बताया गया था कि शेल्टर की एंट्रेंस हवा से उल्टी डायरेक्शन में होनी चाहिए, लेकिन हमने इस बात को ध्यान में नहीं रखा, इसलिए रात भर तेज ठंडी हवा चलती रही और हमें एंट्रेंस को अपने बैकपैक से ढकना पड़ा। ओके, तो इनको जो बताया गया था कि शेल्टर का जो एंट्रेंस है, जो गेट होता है, उसके अंदर जाने का, वो हवा की उल्टी दिशा में किया जाए, तो इन्होंने गलती से वो हवा की तरफ ही कर दिया। तो पूरी रात जो ठंडी हवा जो इनके शेल्टर के अंदर आती रहेगी, वो काफ़ी ठंड लगी होगी। जीरो से नीचे टेम्परेचर हमेशा जाता है और डाउन रहता है, माइनस में टेम्परेचर रहता है, तो ऐसे में कितनी ठंडी हवा होती होगी। पर रात में तो नॉर्मली ऐसे ही ठंडी बचती है, तो यार इनकी हालत क्या होगी उस टाइम पर? गलती कर दी है भाई, बहुत बड़ी गलती की वजह से रात परेशानी भरी रही। सही बात है। तो ये इनका सेकंड एपिसोड का वीडियो था। जैसे कि हमने देखा कि उनको एक अनजान जगह पे 3 दिनों के लिए 72 आवर्स के लिए भेजा गया है, और वहाँ पे जाके वो सर्वाइव करेंगे, सीखेंगे दुश्मन से कैसे लड़ना है, दुश्मन की गोलियों से कैसे बचना है, अटैक से कैसे बचना है, शेल्टर्स कैसे बनाने हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा कि शेल्टर्स कैसे बनाने हैं, और उनसे गलती हुई है। उनको 20 मिनट का टाइम दिया गया था, तो 20 मिनट में नहीं, उनको 4 से 5 घंटे लगे। बारिश आने की वजह से कुछ लोगों को फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा। तो गलती हुई तो सज़ा मिलेगी, इस वीडियो में नहीं दिखाया गया, शायद अगले वीडियो में इनकी सज़ा के बारे में भी दिखाया गया होगा। तो आगे हम वो भी वीडियो कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है यार सर्वाइव करना आर्मी में। इसमें से बहुत सारे लोग जो है, हमने देखा फर्स्ट वीक में ही बहुत सारे 38 जो 1000 फीट की उनको चढ़ाई करनी थी 5 किलोमीटर की, उसमें ही 38 जो सोल्जर्स थे वो इंजर्ड हुए थे, और 38 मतलब बाहर निकल गए थे ट्रेनिंग से। तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे, एक 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 सोल्जर काफ़ी सारे सोल्जर्स कम होते जाएंगे, क्योंकि सभी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनकी आगे की वीडियोस भी हम लोग देखेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में इसकी ओरिजिनल वीडियो का, इनके चैनल का लिंक मैं दे रहा हूँ, जाके इनके वीडियोज़ को आप देखो, वीडियोज़ को लाइक करो, सब्सक्राइब करो इनके चैनल को, और शेयर करो इनके वीडियोज़ को। तो उसी तरीके से हमारे चैनल को भी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो अच्छा लगा तो, और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और लोगों तक पहुंचे। तो फिलहाल के लिए रुकते हैं इस वीडियो में यहीं पे, मिलते हैं अगले ऐसे किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।